Hello students of class 4, today I am going to teach you EBS chapter 11, that is the value of flowers. In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere. This place is called the valley of flowers. In some places, one sees red flowers blooming on bushes, while in others one finds white flowers peeping out between the stones. There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers, and suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass. All this seems like a beautiful dream, doesn't it? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. How does it feel? Which songs do you feel like singing? Students, now close your eyes, यानी अपने आँखें बंद करिए और सोचिए कि आप एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ सिर्फ फूल ही फूल है। बच्चों, आप ध्यान दोगे हमारे चैप्टर का नाम क्या है? The Valley of Flowers, यानी फूलों की घाटी। ये फूलों की घाटी उत्तरांचल के हिल्स में पाई जाती है, जहाँ हर जगह फूल ही फूल पाए जाते हैं। कहीं पे रेड कलर्स के फ्लावर्स झाड़ियों में दिखती हैं, तो कहीं व्हाइट कलर्स के फ्लावर्स स्टोन के बीच में दिखेंगे। यहाँ तक के कुछ कुछ जगह ऐसा लगता है जैसे कारपेट बिछे हो येलो कलर के फ्लावर्स से, और फिर अचानक से आपकी नजर घास के बीच में ब्लू कलर के फ्लावर्स पर पड़ती है, जो टिमटिमाते तारों जैसे लगता है। ये सब एक बहुत खूबसूरत सपनों जैसा लग रहा है। हाँ बच्चों, ये तो सपना ही है, क्योंकि ये सब फ्लावर्स एक साल में कुछ ही दिनों तक दिखते हैं। स्टूडेंट्स, कितना खूबसूरत सपने जैसा है एक ऐसी जगह होना जहाँ सिर्फ और सिर्फ फूल हैं, जहाँ आपके और नेचर के अलावा और कोई नहीं है। बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मधुबनी पेंटिंग, यूजेस ऑफ फ्लावर्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। गॉड ब्लेस यू।